Hello students, today we are going to discuss distributive adjective. It's a second part of adjective, and distributive adjective is very important for your examination point of view. Okay, take care of it. Distributive adjective hota kya hai? Pehle iski definition hai. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर नॉर्मली यूज विद सिंगुलर नाउन्स. ओके, सिंगुलर नाउन्स के साथ ये यूज होते हैं, ध्यान रखना. दीज आर यूज टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप. अ ग्रुप एज इंडिविजुअल, कहने का मतलब ये है जिस नाउन के आगे या प्रोनाउन के आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, वो सारे जो ग्रुप है ना वो इंडिविजुअल यानी कि सिंगुलर नाउन बन जाते हैं. देखो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देख लो कौन कौन से थे. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं हमारे ईच, एवरी, Either, neither, anyone, both, etc. Okay, ये सारे हमारे distributive adjective हैं. अब ये देखो इसका एग्जाम्पल करते हैं कि ये कैसे एक पीपल के ग्रुप को कैसे एक यूनिट में, एक सिंगल नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है. अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं. देखो ईच स्टूडेंट of this class will bring your notebook. Okay, यानी कि each, जैसे कि ईच, मतलब ईच का मतलब क्या होता है कि इसको भी हर एक को, ईच ईच का मतलब होता है हर एक, ठीक है. ईच का मतलब हर एक होता है. अब देख इस क्लास में हर एक स्टूडेंट अच्छा है, ठीक है. यह हमारा हो गया नाउन, और जो इससे बिल्कुल पहले आ गया वो हो गया हमारा एडजेक्टिव, और यह हो गया नाउन. ओके, यानी कि हर एक बच्चा, हर कोई, तुम भी, हर कोई बच्चा जो है ना वो इस क्लास में अच्छा है. अब देखो एवरी या हर कोई, ईच और एवरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. ईच की जगह एवरी लगा सकते हो, एवरी की जगह ईच लगा सकते हो, ठीक है. जब मैं बोलता हूँ एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू हिज क्लास,
इसका कहने का मतलब यह है, एवरी, हर एक, एक एक बच्चा जो है अपनी क्लास में जाएगा। देखिए फिर से, ये नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है। बिल्कुल इससे पहले ही होगा, एडजेक्टिव हमेशा, ठीक है, एक, ठीक है। सोचो सोचो कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, इधर का मतलब होता है कोई एक। सोचो क्लास में 50 बच्चे हैं और मैं क्लास में एंट्री करता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ आई डोंट नो ईदर ऑफ यू, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम में से कोई एक को भी नहीं जानता हूँ क्लास में, ठीक है। इधर किसके लिए, इसका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखो, इधर यू बाय, ईदर यू बाय इट और डोंट, या तो तुम इसे खरीद सकते हो, ठीक है, इसका ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब है कि या तो तुम एक काम कर सकते हो, या तो इसको खरीद सकते हो, ठीक है, या इसको, नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। दो काम है ना यहाँ पे। अब देखो इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि एक तो दो दो चीज़ें, या तो तुम इसे खरीद सकते हो, इस कहने का मतलब या तो तुम इसे खरीद सकते हो या इसे नहीं खरीद सकते, यानी कि तुम दोनों में से एक काम कर सकते हो, दोनों नहीं, ओके। अब एक एग्जांपल और देख लो, ईदर बुक्स, बुक्स से पहले ही है बिल्कुल, ये इसका एडजेक्टिव है, इज योर्स, मतलब इन, ईदर बुक इज योर्स मतलब इन दोनों में से कोई एक बुक तुम्हारी है, ओके, दोनों में से कोई एक, कोई एक, कोई एक, समझ रहे हो ना, कोई एक, ईदर का मतलब सब में से कोई एक, ओके, नहीं, समझ गए, कोई भी नहीं। देखो एग्जांपल, देखो ये भी यूजुअली सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है, देखोगे अभी, देखो मैं लिख रहा हूँ, जैसे इधर के जैसे यूज होता है, नीदर ऑफ यू इज गोइंग आउटसाइड, है ना। अब इसके कहने का मतलब है तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, नीदर एडजेक्टिव प्रोनाउन, और ये इसके बिल्कुल पहले, मतलब बिल्कुल पहले ऑफ आ गया, कोई बात, ट्विन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि नीदर, ट्विन तो दो होते हैं ना, नीदर दोनों में से किसी एक को भी नहीं, किसी को भी नहीं बुलाया गया था, ठीक है, पार्टी में। अब मैंने बोला था ये सिंगुलर वर्ब यूज़ करता है ना।
अब देखोगे सिंगुलर वर्ब कहाँ पे यूज करी हुई है, अभी देखो, अब यहाँ पे भी सिंगल है, ठीक है, ये बहुत सारे भी, यू 50 भी हो सकते हैं, ओके 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ट्विंस कहते हैं दो, है ना, अब इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करा है, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना जब हम